आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैराडेस लॉ के बारे में, और ये हमारा टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 होगा। सो जो माइकलसन फैराडेस है, जिनका जन्म 22 सितंबर यूके में हुआ था, और उनको रॉयल रैम्पर्ट और एल्बर्ट जैसे बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया अपनी करियर पे। मेनली इनको जाना जाता है दो नियम से, जो फैराडेस फर्स्ट लॉ है एंड फैराडेस सेकंड लॉ। तो फैराडेस लॉ है मेनली डिपेंड अपॉन चेंज इन फ्लक्स। इसके पहले वीडियो में भी हमने बात की थी किस तरह से फ्लक्स और एरिया के बीच में चेंजेस आते हैं। तो जो फ्लक्स होते हैं वो तीन तरीके से चेंज होते हैं। फर्स्ट, एरिया के चेंज होने से। किसी, ये मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एरिया को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस कर रहे हैं। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने प्लेस किया, जिसका डायरेक्शन आपकी तरफ है। अब इस एरिया को मैं रिड्यूस करूंगा, तो हम देखेंगे कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये एरिया को जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहे थे, अब वो कम कट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। सेकेंड केस में हम बोल सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा एरिया है, ये एरिया है, तो ये एरिया का एरिया वैक्टर ये है, ठीक है। अब इसके रोटेशन से ये एरिया वैक्टर भी रोटेट करेगा, ओके। तो जब हम इस एरिया को कुछ ऐसे रख रहे हैं, तो इसका जो नॉर्मल वैक्टर एरिया वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देखो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और एरिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 0 डिग्री का। तो इस केस में हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कट करते हुए मिलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और सेकंड केस में जब इस एरिया का रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाता है, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये फ्लक्स है, तो हमारा जो डायरेक्शन मिलता है ये फ्लक्स का ये डायरेक्शन 90 डिग्री पे रहता है। ये फ्लक्स है और ये एरिया यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन जो वो 90 डिग्री मिलेगा। और फ्लक्स जो होता है वो बी डॉट डी है, दैट मीन्स जो थीटा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के बीच का एंगल होगा। तो इस केस में एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से हमें फ्लक्स जो है वो मिनिमम मिलेगा। थर्ड केस होगा एरिया के रोटेशन पे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया को अगर हम इस तरह से रोटेट करें, ये हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है। तो इसको अगर मैं इस केस में रखूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इसको कट करें, और जब इसको मैं रोटेट करके कुछ इस तरह से कर दूँ, तो इसमें मिनिमम फ्लक्स जो होगा वो कट होगा। तो तीन तरीके से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके, सेकंड, एरिया को चेंज करके, और थर्ड, एरिया को रोटेट करके। तो तीन तरीके से हमारा फ्लक्स में चेंजेस आ सकते हैं। अब जो फैराडेस लॉ कहते हैं, दोनों लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ और फैराडेस सेकंड लॉ, ये फैराडेस लॉ एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि कोई भी जो भी चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो लैप्स नहीं होगा, वो किसी ना किसी फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सॉलिनॉइड लिया है, ये सॉलिनॉइड और ये हमारा मैग्नेट बार है। तो ये मैग्नेट बार को हम इस तरह से इस सॉलिनॉइड के अंदर इसे प्लेस करते हैं। अब सॉलिनॉइड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ये मैग्नेट बार है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी हायर होगी, यहाँ पे डेंसिटी हायर होगी, बाकी रीजन में डेंसिटी कम होगी। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट बार को इस सॉलिनॉइड के अंदर लेकर के जाएंगे, हम ये पाएंगे कि इस सॉलिनॉइड से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे, जिसके वजह से होगा ये कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कट करेगा। फिर जब हम सॉलिनॉइड को बाहर लेकर के आएंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कट होना ये कम होगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्स के चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंज की वजह से हमें इस सॉलिनॉइड पे एक करंट दिखेगा, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम दूसरे थ्योरीज पे बात करेंगे, दूसरे क्लासेस पे बात करेंगे, बट अभी हम बात करेंगे कि जैसे ही फ्लक्स इस मैग्नेट बार के इनसाइड या आउटसाइड जाने से जो फ्लक्स के चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से एक EMF इंड्यूस्ड होगा, और ये EMF इस कॉइल पे एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स जो करंट होगा इस कॉइल पे रहेगा। जो सेकेंड लॉ कहता है हमारा फैराडेस का, ये सेकेंड लॉ ये कहता है कि जितनी तेजी से हम इस एक्टिविटी को करेंगे, जितनी तेजी से हम इस मैग्नेट बार को इस कॉइल के अराउंड मूव करेंगे, इस कॉइल के रिलेटिवली मूव करेंगे, उतनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और उतनी तेजी से उतनी ज़्यादा हमें करंट मिलेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ हमें कह रहा है कि जो जब भी व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट।
और जो सेकंड लॉ कह रहा है ये कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिलेटिव मोशन है। अगर हम दोनों कॉइल और मैग्नेट बार को साथ में अगर हम मूव करेंगे तो इनके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन तो है बट इसमें किसी तरह का भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होगा, हमें किसी तरह का भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि हमें फ्लक्स चेंजेस नहीं मिलेगा और हमें जो करंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारा फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज बिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो ये था हमारा दो फैराडे सेकंड लॉ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप अपना प्यार मुझे दिखा सकते हैं इस वीडियो को शेयर और लाइक करके। अगर किसी भी तरह के कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर मेंशन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।